साहेबगंज जिले का छोटा सा गांव दुमकी पहाड़, जिसमें वर्ग एक से छः तक एक FMPP नामक ऐसा मिशन स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें मिशन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ड्रेस, मध्याह्न भोजन एवं किताबें तो दे रही है, पर वर्ग उत्तीर्ण होने पर किसी भी प्रकार का स्कूल सर्टिफिकेट नहीं दे रही, जिसके कारण बच्चे दूसरे स्कूलों में नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ वर्ग 8 तक सरकारी विद्यालय तो गांव में उपस्थित है, लेकिन हेडमास्टर जोसेफ हांसदा एवं सहायक शिक्षक मेरी मरांडी विद्यालय 15 अगस्त 26 जनवरी को ही आते हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने कई बार साहेबगंज उपायुक्त, साहेबगंज DSC एवं मंडरो ब्लॉक के BO को लिखित सूचना दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पे जो स्कूल है, कौन सी क्लास तक? मिशन का सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल तो 8 तक है, 8वीं क्लास तक है। टीचर आते हैं यहाँ पे? टीचर तो नहीं आता। कितने दिनों से ऐसे चल रहा है? ऐसे तो जब स्कूल शुरू हुआ उसी दिन से नहीं आ रहा। लगभग कितने दिन हो गए? ऐसे दिन नहीं, साल है। साल तो कम से कम 10 साल। क्या नाम है टीचर का? टीचर का तो एक जोसेफ असदा है, वो हेडमास्टर है, और सहायक है मेरी मरांडी। आपको कितना मिलता है? मेरा तो इसमें 2300 मिलता है। 2300 रुपये महीने? हाँ। कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप कितना समय देते हैं इसमें? इसमें बच्चा लोग तो 100 से 100-100। कितना समय देते हैं लगभग? समय इसमें हम लोग पढ़ाते हैं 10 से 4 बजे तक। और जो कार्यालय है सरकारी स्कूल का, इसमें ताला लगा हुआ है, वो डबल ताला। वो तो काली हाजिरी बनाने के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग गाँव वाला मिलजुल कर हम बंद कर दिए। दो बार पहले डांटे हैं, फिर बोला कि 8000 माम डांटे हैं, तो तब वो पैसा भी नहीं दिया, फिर बोर्ड भी लिख के दिया था भी नहीं आया, इसलिए हम तालाब बांध दिए हैं। तो इसके लिए आप कहीं ऊपर मतलब साहेबगंज जिले में किसी अधिकारी को इसका आवेदन या सूचना दिए कि हम अपना ताला मार दिए? हाँ, DC को दे दिए। तो DC भी, DC बोला सर वही तालाब बांधने रहे रहो इसे। तो DC कुछ नहीं बोले कि हम दूसरे टीचर भेजेंगे या? हाँ, पहले तो बोला है टीचर भेजेंगे, तो बाद में गए तो बोला कि टीचर हम नहीं भेजेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसे। तो मैं भी इसी समुदाय से हूँ, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में इसी गांव के इंटर मैट्रिक पास युवक युवतियों को शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए, या फिर शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षक को बहाल करे जो रोजाना यहां विद्यालय आ सके। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिला शिक्षक अधीक्षक जय गोविंद सिंह को मोबाइल नंबर 947154-1882 पर कॉल कर यहां की समस्या से अवगत कराएं। मैं शिखा कुमारी, पहाड़ी जिला साहेबगंज झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।